आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बंदूक का लाइसेंस किस तरह से बनवा सकते हैं और बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक रखना चाहते हैं, और आज के समय में होमगार्ड की जॉब के लिए भी गन का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास बंदूक का लाइसेंस है तो आप होमगार्ड का जॉब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार है: पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले 3 वर्ष का इनकम टैक्स का रिटर्न कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फॉर्म भरते समय आपको यह भी जानकारी देना होगा कि आप किस उद्देश्य से बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं। अब हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और फॉर्म भरने का तरीका बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको NDAL का वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ARMS लाइसेंस ऑनलाइन, इस साइट पर आ जाना है। इस साइट का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी का चुनाव करना है, तो चलिए मैं सेलेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख लीजिए कि आपको लाइसेंस किस टाइप का लेना है, तो मुझे इंडिविजुअल लेना है, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करता हूँ। अगर आप डीलर के लिए लेना चाहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए लेना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए स्टेट का चुनाव करना है, आप जिस राज्य में रहते हैं उसका चुनाव कीजिए, तो मैं बिहार का चुनाव करता हूँ। यहाँ से देखिए जिला का चुनाव करना है, तो मैं जिला का चुनाव कर देता हूँ। देखिए यहाँ से जिला का अथॉरिटी का चुनाव करना है, तो जिला की अथॉरिटी का मैं चुनाव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्विस का चुनाव करना है, अगर आप फर्स्ट बार लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म 1 का चुनाव कीजिए। अब देखिए अगले पेज पर आपको पर्सनल डिटेल सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, इस बॉक्स में अपना नाम दर्ज कीजिए। यहाँ पर फादर्स स्पॉज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फादर्स का नाम दर्ज कीजिए। आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर आप जन्म लिए हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए, जिला का नाम सेलेक्ट कीजिए, पैलेस ऑफ बर्थ में आप पैलेस का नाम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जन्म तिथि दर्ज कीजिए, यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कीजिए, इस बॉक्स में पैन कार्ड नंबर दर्ज कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाइए। अब देखिए आपको एड्रेस भरना है, अगर आपका स्थायी पता और अस्थायी पता सेम है तो परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद आपका एड्रेस इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे जाइए, यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड को देखकर अच्छे से टाइप कीजिए, सब कुछ सही होने पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल भरना है, आपको तय करना है कि आप जो लाइसेंस ले रहे हैं वह किस रूल के तहत ले रहे हैं, आप जिस रूल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर टिक करना है आपको। देखिए यहाँ पर हम टिक कर दिए, आपको इंटर कैप्चा टाइप करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगले स्क्रीन पर आपके सामने लाइसेंस स्पेसिफिक डिटेल भरना है, नीड ऑफ लाइसेंस यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप किस लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हम सेल्फ प्रोटेक्शन डाल देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप कौन सा बंदूक लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। मैं राइफल सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं राइफल ही डाल देता हूँ। यहाँ से एरिया सेलेक्ट कीजिए, आपका जो लाइसेंस है कितने दूर तक वैलिड रहेगा, तो मैं स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लेम पर स्पेशल में आपको टाइप करना है, यहाँ पर आप कैप्चा टाइप कीजिए देखकर। अब आपको लास्ट में फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है टू कंटिन्यू प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम किंडली अपलोड इमेज हियर, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर JPG में 50 KB से कम आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। देखिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया हूँ, अब यहाँ से अपलोड पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे लिख रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन, यहाँ से आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लीजिए और एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर टाइप कीजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए, यहाँ पर कैप्चा फिल कीजिए, सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेटस में दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। अब आपको पीडीएफ को ओपन कर लेना है। यहाँ से देखिए हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से पीडीएफ फाइल को प्रिंट कर लेना है, उसके बाद में जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर आपको जमा कर देना है। जमा करते समय आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ में लेकर जाना है और आपको जमा कर देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको गन के लिए लाइसेंस मिल जाता है। वीडियो में जो भी ज़रूरी जानकारी है उसको मैं बता दिया हूँ। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।